इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरव। 15 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी प्रवेश होगा। 2021 में पहली बार नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी देर पहले 5 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने उन सभी परियोजनाओं के बारे में बताया जो कल काशी में शुरू होने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी अपने चुनाव क्षेत्र को कल जो तोहफे देने वाले हैं, हमने आज उन सबको ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। मोदी की मॉडर्न काशी का फर्स्ट लुक देखिए। काशी में गंगा की लहरों पर बढ़ता क्रूज, राजघाट से लेकर 80 तक काशी के 84 घाटों पर लेजर शो और संगीत के साथ झिलमिलाती रोशनी का आनंद लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 8 महीने हो गए कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी को काशी से दूर रखा। नरेंद्र मोदी इस दौरान वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए काशी से कनेक्टेड रहे। प्रधानमंत्री काशी के इंटीग्रेटेड कोरोना कंट्रोल सेंटर और यहां के डॉक्टरों से बातें करते रहे। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री खुद काशी आ रहे हैं। 2021 में पहली बार मोदी बाबा विश्वनाथ के धाम आ रहे हैं। काशी के मंदिरों में, काशी की गलियों में, काशी के गंगा घाटों पर, काशी कन्वेंशन सेंटर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर एक रंगीन उत्सव की तैयारी है। काशी मोदी के लिए धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी। बाबा की नगरी से ही मोदी संसद पहुंचते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं इस शहर के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लाते हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी खाली हाथ वाराणसी नहीं आ रहे हैं। मोदी अपने साथ 1581 करोड़ के 284 प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 15 जुलाई को इनमें से 744 करोड़ के 78 प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा और मोदी 839 करोड़ की 206 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। काशी के सेगरा में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं आप। जापान के सहयोग और 186 करोड़ की लागत से बने इस नए नवेले कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष नाम दिया गया है। शिव को जो सबसे पसंद है वही तोहफा मोदी काशी को देने जा रहे हैं। 108 रुद्राक्ष से सजे इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। 2.87 हेक्टेयर में बना है रुद्राक्ष। 1200 लोगों की बैठने की क्षमता, 120 गाड़ियों की पार्किंग, गैलरी और मीटिंग रूम अलग। जो कन्वेंशन सेंटर काशी को मिलने वाला है उस जगह इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार पहुंची। वाराणसी का ये सिगरा इलाका है और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये 3 एकड़ में बना हुआ है और 1200 लोगों के बैठने की इसमें कैपेसिटी है, क्योंकि काशी में है और काशी में है तो इसलिए ऊपर का डिजाइन जो है वो शिवलिंग की तरह है और पूरे हॉल के चारों तरफ 108 रुद्राक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जापान के साथ सहयोग में बन रहा है तो जापान भारत के झंडे भी यहाँ लहरा रहे हैं और जापान के भी। अंदर जो पूरा हॉल है उसको सुंदर तरीके से सजाया गया है। जापनीज और इंडियन जो फूल हैं उनसे सजावट की गई है। जो यहाँ बनारस के घाट में जाते हैं तो वहाँ जो छतरियाँ लगी रहती हैं घाट में, उन छतरियों से और जो जापनीज कागज़ की छतरियाँ होती है उनसे पूरे अंदर हॉल को सजाया गया है। तो हाईटेक कन्वेंशन सेंटर है। जापनीज की जो टेक्नोलॉजी है जापान की उसका यहाँ इस्तेमाल किया गया है। बेसमेंट में गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है। 2 हॉल बनाए गए हैं जहाँ मीटिंग की जा सकती है। तो बनारस जो है शिव की नगरी है, धर्म नगरी है तो कला की भी नगरी है। यूनेस्को ने इसको 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था, लिहाजा यहाँ कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तोहफा है बनारस के लोगों के लिए वो बहुत इस्तेमाल में आने वाला है, क्योंकि जो प्रोग्राम घाटों के किनारे होते थे इस तरह का बड़ा हॉल यहाँ पर नहीं था, तो अब उसके लिए ये हॉल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ एग्जीबिशंस भी हो सकेंगे और कॉन्फ्रेंस भी।
मोदी ने 2020 में काशी के लोगों को बीएचयू में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल दिया था। 2021 में मोदी बीएचयू में 100 बेड वाला एमसीएच विंग यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग देंगे। पूर्वांचल में बच्चों के जन्म के समय माँ और बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल की कमी है। मोदी ने 45 करोड़ 50 लाख की लागत से एमसीएच विंग बनवाकर उस कमी को पूरा कर दिया है। मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 80 फैकल्टी फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। बीएचयू के फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये फ्लैट 47 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। काशी के 14 अस्पतालों में 11 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाकर उनका भी शुभारंभ करेंगे। बीएचयू में प्रधानमंत्री शहर के 5000 गणमान्य लोगों से संवाद करने वाले हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 5000 लोगों को यहां पर बुलाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कुर्सियां दूर दूर रखी गई हैं। कोरोना को देखते हुए मंच सज के तैयार हो रहा है और यहां से प्रधानमंत्री मोदी 1600 करोड़ रुपए की 284 योजनाओं की सौगात काशी वालों को देंगे। इसमें 78 योजनाएं होंगी 744 करोड़ की, जिसका वो लोकार्पण करेंगे। काशी पहुंचने से पहले खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उनके प्रोजेक्ट काशी और पूर्वांचल में ईज ऑफ लिविंग सुधारने वाले होंगे। जबकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खुल जाने से बनारस पर्यटकों और बिजनेस कन्वेंशन के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगा। बीएचयू के आईटी ग्राउंड से नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाकर काशी को और क्या क्या देने वाले हैं और उससे काशी कितनी मॉडर्न होगी, पूरी डिटेल हम आगे बताएंगे। मगर उससे पहले आपको काशी की सबसे प्रसिद्ध जगह पर ले चलते हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ का मंदिर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग। नरेंद्र मोदी इन्हीं बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं। मोदी को जब भी मौका मिलता है वो विश्वनाथ मंदिर आकर दर्शन जरूर करते हैं। हम आपको इस मंदिर से गंगा घाट की तरफ ले चलते हैं। यहीं बन रहा है काशी कॉरिडोर। काशी में नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। इस कॉरिडोर का काम कहां तक पहुंचा है, रुचि कुमार ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। काशी का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये रास्ता गंगा जी से आता है और ललिता घाट से लेकर पीछे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है। ये पूरा कॉरिडोर कितना सुंदर होगा, ये अभी बन रहा है। ये देखिए रेड सैंडस्टोन से बनाया जा रहा है और ये पीछे जो है ये मेन गेट होगा मंदिर में आने का। सामने वहाँ पे गंगा जी बहती हैं और वो ललिता घाट है, वहाँ से पूरा कॉरिडोर होगा और जो श्रद्धालु होंगे वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और गंगा जी से ही यहाँ पे दर्शन भी कर लेंगे, यहाँ चल कर आएंगे। जब पहले हम यहाँ आते थे तो बहुत पतली पतली गलियाँ होती थी यहाँ पर, जिसमें चलना मुश्किल होता था। और जो बड़े त्यौहार होते थे, चाहे वो शिवरात्रि हो चाहे सावन हो, उसमें लाखों की भीड़ यहाँ पर आती थी। रेड सैंड स्टोन से बन रहा है काशी कॉरिडोर। कॉरिडोर के एक एक पत्थर पर नक्काशी। विशाल और भव्य होगा कॉरिडोर का मेन गेट। काशी कॉरिडोर के गेट तक पहुंच सकेगी कार। वीआईपी लाउंज और वेटिंग एरिया का निर्माण। काशी कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तब ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बेरोक टोक आना जाना संभव होगा। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद सीधे विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे। ये वीआईपी गेट जो मेन गेट होगा मंदिर में अंदर जाने का, ये वो गेट है। और ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफिस होंगे। यहाँ पे वीआईपी लाउंज होगा, वेटिंग एरिया होगा और ये मेन गेट देखिए, इसमें इतनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की जा रही है। और उम्मीद ये है, क्योंकि कोरोना आ गया इसलिए काम थोड़ा यहाँ धीमे हो गया, लेकिन उम्मीद यही है कि अगले 2-3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। 30 नवंबर 2020 मोदी को काशी में क्रूज की सवारी करते हुए दुनिया देख चुकी है। मोदी विरोधी अक्सर पूछते हैं कि काशी में आम लोगों के लिए क्रूज कहाँ है, काशी के लोग अब क्रूज पर चढ़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब यहाँ है। मर्चेंट व्हीकल सैम मानिकशा, काशी आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाट के दर्शन कराने के लिए ऐसे 2 रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स वाराणसी पहुंच चुके हैं। इन पर 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक एक शिप पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग बैठकर गंगा के घाट देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों को 1600 करोड़ रुपए की 284 योजनाओं का तोहफा देने आ रहे हैं। इन योजनाओं में 78 ऐसी हैं
जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसी तरह के ये दो शिप हैं जो काशी के लोगों को ये तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगा। रोल ऑन रोल ऑफ शिप हैं जो कोचिन शिपयार्ड में बने हैं। इस तरह के शिप 8 शिप बनाए गए हैं जिनमें से 2 वाराणसी आए हैं। बहुत बड़ा है, इसमें 2 ट्रक्स खड़े हो सकते हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। 200 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है, क्योंकि बनारस में गाड़ी और ट्रक की ज़रूरत नहीं होगी शिप पे चढ़ाने की। तो इसको ओपन एयर रेस्टोरेंट बनाने की का प्लान है। इस तरह से यहाँ सीट्स लगी हैं, यहाँ बैठ सकते हैं टूरिस्ट। तो बनारस में करीब सालाना 25 लाख टूरिस्ट आते हैं। गंगा में जो घाट हैं उनको देखते हैं, तो दशाश्वमेध घाट है, वहाँ जो गंगा आरती होती है उसके दर्शन करते हैं। तो ये शिप इस पर्यटन को बढ़ावा देगा और बड़ी सौगात काशी के लोगों के लिए होगा। काशी अपने घाटों के लिए भी मशहूर है। 80 से लेकर राजघाट तक पूरे 84 घाट हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट जैसे कुछ घाटों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सभी 84 घाटों के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का पता लगा के उनके बारे में सूचना पट तैयार करवाया है। इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बनारस घाटों का शहर भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट हो, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, तुलसी घाट, पूरे घाटों की यहाँ श्रृंखला है और हर घाट के पीछे अपना इतिहास है, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जब से काशी के सांसद बने हैं, घाटों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ सफाई की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 घाट पर खुद झाड़ू लगा के सफाई अभियान की शुरुआत की थी। अभी भी इन घाटों पर लगातार सफाई का काम चलता रहता है। नाव से सारे घाटों में जितना कूड़ा होता है उनको जमा किया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी आ रहे हैं तो वाराणसी के लोगों को घाटों पर इस तरह के बोर्ड की सौगात भी देने जा रहे हैं। हर घाट पर इस तरह की बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें घाट के बारे में पूरा डिटेल होगा। जैसे ये 80 घाट है, यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। इसमें लिखा है कि भीषण युद्ध में असुर शुंभ और निशुंभ का संहार करने के बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार भूमि पर जहाँ फेंकी, वही पृथ्वी से जल धारा उत्पन्न हुई, उसे ही 80 नदी कहा गया। 80 और गंगा के संगम पर स्थित इस घाट की गणना वाराणसी के पवित्र घाटों में की जाती है तथा ये वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। तो जो श्रद्धालु करीब 25 लाख के आसपास पूरे साल में वाराणसी आते हैं, वो जब घाटों पे आते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक वाराणसी में आप घाट घाट चल के जा सकते हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो हर घाट के बारे में उनको कुछ इस तरह से जानकारी दी जाएगी। काशी का ये वही 80 घाट है जहां 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। मोदी के विरोधी आज भी आए दिन काशी में जल भराव की कुछ तस्वीरें शेयर करके मोदी का मजाक उड़ाते हैं। सच क्या है ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी से सुनिए। जब 80 घाट पे उन्होंने सबसे पहले फावड़ा स्वयं चलाया था और 80 घाट के कायाकल्प की जो परिकल्पना थी वह कर परिकल्पना साकार हो गई। न केवल 80 घाट अपितु बनारस के जितने 84 घाट हैं सब में आमूलचूल परिवर्तन हो गया और आज देखने में वह सुंदर भी लगता है, स्वच्छ भी लगता है। वहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति को यह एक अंदर से अनुभूति होती है कि माँ गंगा के पावन तट पर हम बैठे हुए हैं। 34 किलोमीटर लंबे पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण, 62 करोड़, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का फ्लाईओवर, 50 करोड़, सीवर सिस्टम दुरुस्त करने की परियोजना, 30 करोड़, 4 जगहों पर ऑडियो वीडियो LED स्क्रीन, 9 करोड़, काशी के 4 पार्कों का सौंदर्यीकरण, 5 करोड़, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 143 प्रोजेक्ट, करखियाओं में आम और सब्जियों का इंटीग्रेटेड पैक हाउस। काशी के लोगों पर सौगातों की बौछार होने वाली है। वाराणसी के सबसे व्यस्त चौराहे गोदौलिया पर 5 फ्लोर वाला मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार है। काशी में फर्क तो दिखता है, मोदी के होने का असर साफ साफ दिखता है। जाम जिस शहर की पहचान थी वहाँ की रफ्तार अब तेज है। मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा था, सपना कितना पूरा हुआ इस पर बहस हो सकती है, लेकिन काशी की तस्वीर बदली है, इससे शायद ही किसी को इनकार है। प्रधानमंत्री मोदी कल काशी जाएंगे।
आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। यूपी एटीएस ने अलकायदा की आतंकी साजिश पर बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। लखनऊ में आतंकी साजिश रची जा रही थी। ऑर्डर पाकिस्तान से आ रहा था और ई रिक्शा में कुकर बम प्लांट करने का प्लान था। आतंकियों का मकसद कितना खतरनाक था इस रिपोर्ट से समझिए। दमदार धमाका प्रेशर कुकर बम का है। प्रेशर कुकर बम कितना खतरनाक, कितना जानलेवा होता है, इसका अंदाजा इस विस्फोट से लगाया जा सकता है। इसी साल अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने ऐसे ही प्रेशर कुकर बम को तबाह किया था। यूपी में प्रेशर कुकर की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी। लखनऊ में आतंकियों ने प्रेशर कुकर बम पहले ही तैयार कर लिया था। मई के महीने पर धमाका करने की साजिश भी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्लान ड्रॉप करना पड़ा। लखनऊ में एटीएस ने अब किसको हिरासत में लिया, कौन कौन पुलिस की रेडार में है, लखनऊ के वजीरगंज इलाके में छापेमारी में क्या खुलासा हुआ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद विशाल प्रताप सिंह ने क्या क्या देखा, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आतंकियों की आखिर साजिश क्या थी और किस लेवल पर हमला करने वाले थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी में आत्मघाती मानव बम और प्रेशर कुकर बम से मंदिर या भीड़ वाली जगह पर धमाके की प्लानिंग थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। एटीएस ने छापेमारी के दौरान प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया था। प्रेशर कुकर हर घर में बड़ी आम चीज है। आपने हमेशा इसको किचन में ही देखा होगा, लेकिन आतंकियों के लिए ये बड़ा हथियार बन गया है। दरअसल बम बनाने के लिए आतंकी प्रेशर कुकर में बारूद भरते हैं। कुकर के अंदर बाहर कीले, नट, बोल्ट्स बांध दिए जाते हैं, ताकि धमाके के वक्त इससे भारी नुकसान हो। ब्लास्ट करने के लिए आतंकी भीड़ वाले इलाके चुनते हैं। जब प्रेशर कुकर बम फटता है तो आवाज की गति से भी तेज धमाका होता है। कीले, नट, बोल्ट्स 2000 फीट प्रति सेकंड की गति से उछलते हैं। इसके अलावा धमाके से शॉक वेव निकलती है। प्रेशर कुकर बम से कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ऐसी साजिश यूपी को दहलाने की रची गई थी। एटीएस ने मसीरुद्दीन और मिनहाज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। दोनों आतंकियों की निशानदेही पर एटीएस ने 3 गिरफ्तारी और की है। लखनऊ से मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुईद और शकील को गिरफ्तार किया। मुस्तकीम, मुईद और शकील है, ये तीनों व्यक्ति पूछताछ के लिए लाए गए और इन्होंने पूछताछ के दौरान अपने आप को इस गैंग से संबंधित होना बताया, तथा इसके साथ साथ इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। इनका जो मुख्य उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण जगह पे तथा किसी स्मारक पे जाके आतंकवादी गतिविधि करना, बम विस्फोट करना था, जिससे कि भारी मात्रा में जन हानि या किसी भी चीज़ को डैमेज किया जा सके, तथा पर्याप्त समाज में भय पैदा करने का उद्देश्य था। मुस्तकीम पेशे से छोटे लेवल का ठेकेदार है, छोटे छोटे फ्लैट बनाता था, आतंकियों को हथियार दिलवाने में मदद की। मुस्तकीम और शकील को पता था इन हथियारों का इस्तेमाल कौन करेगा और क्यों करेगा। शकील ई रिक्शा चलाता है, जबकि तीसरे गिरफ्तार शख्स मुईद के रोल की जांच की जा रही है।
हम इस समय जनता नगर कॉलोनी में मौजूद हैं और इसी कॉलोनी में अब से कुछ देर पहले UPATS का ऑपरेशन चला है और ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया गया है शकील नाम के, वो ई रिक्शा चलाता है। लेकिन शकील की भूमिका क्या है, वो किस तरीके से मिन्हाज या दूसरे आतंकी को जानता था या नहीं जानता था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन आतंकियों की निशानदेही के बाद चलाया गया है। पता ये भी चला है कि जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर था उमर अलमंदी, उसको बाकायदा वीडियो बना करके भेजा गया था प्रेशर कुकर बम का, और ये वीडियो भेजा था मिन्हाज ने, क्योंकि मिन्हाज को लगातार पाकिस्तानी हैंडलर जो ऐप है उसके ज़रिए बातचीत कर रहा था और इंटरनेट के ज़रिए उसे बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में समझा सकता है कि ये पूरा मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि प्रेशर कुकर बम को महीनों पहले बना लिया गया था और उमर अलमंदी को बाकायदा वीडियो के ज़रिए भेजा भी गया था। UPATS की पूछताछ में ये खुलासा किया है गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने, और उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर रेड्स चल रही हैं लगातार, तो अपने आप समझा सकता है कि ये मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील है। कानपुर में रेड चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड चल रही है, संभल में रेड चल रही है, और ये भी मुमकिन है कि कानपुर के अलावा जम्मू कश्मीर भी गिरफ्तार किए गए आतंकियों को लेकर के UPATS जा सकती है, ताकि इस मामले की सघन पूछताछ और सघन चेकिंग अभियान पूरी तरीके से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि मानव बम तक को इसमें उन्हें मामले में इस्तेमाल करने की योजना थी, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। ATS का मानना है कि अलकायदा की साजिश में शकील का भी अहम रोल है, हालांकि शकील के भाई और उसके पड़ोसी ऐसे आरोपों को गलत बता रहे हैं। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर ATS ने आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया है और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। फरीद भाई, ये बताइए कि क्या आपके भाई को पुलिस लेके गई है, ATS लेके गई है? ATS अब हम आपको खुल के बात बता रहे क्या है, हम लोग मेहनत मजदूर वाले आदमी ईटा का रहा, मेरा बड़ा भाई हमसे पानी बेचता है और एक भाई बैटरी रिक्शा चलाता है, ठीक है। अगर ये बैटरी वाले कारोबार है, हमसे बैटरी बदलाने जाने इनको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है, तो हमारा कोई गुना तो है ही नहीं। जो दो लोग पकड़े गए हैं काकोरी से, क्या उससे बैटरी उससे बदलाते थे? नहीं, कोई नहीं बदलाता था, सिर्फ मेरे भाई से सलाम दुआ थी तो उसकी बात पे उनने से बैटरी बदलवाई थी, बस उसकी इनका कसूर है, बाकी कोई कसूर है, उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। हम 250 रुपए कमाने वाले आतंकवादी हो जाएंगे, हमारा घर के हालात से लगता है हम लोग आतंकवादी हैं। निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है ATS की तरफ से, ये पूरी तरीके से गलत है। लखनऊ के जो वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस फोर्स है, वो इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और इस पूरे मोहल्ले में निश्चित तौर पर ATS की इस छापेमारी के बाद निश्चित तौर पर काफ़ी गहमागहमी का माहौल है। SHO वजीरगंज के जो हैं धनंजय पांडे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग आए हुए हैं क्या? जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वजीरगंज थाने के लोग, और पूरे मोहल्ले में ATS की इस रेड के बाद निश्चित तौर पर एक ऐसा माहौल है जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्योस की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि अगल बगल के जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से जो बातें हैं वो कह रहे हैं, कुछ बुजुर्गों से ही बात करते हैं। भैया, आपको जानकारी मिली क्या कि यहां से कोई उठाया गया है? हाँ, शकील लड़का उठाया गया, लेकिन शकील एकदम सही है, हम लोग की नज़र में आज तलक नहीं कुछ है। क्या करता है शकील? ई रिक्शा चलाता है? ई रिक्शा चलाता, पहले मोटरसाइकिल का काम करता था। जो लोग हैं यहाँ पर पड़ोस के मोहल्ले के, उनका कहना है कि शकील बिल्कुल ठीक लड़का है, उसमें इस तरीके की कोई खराबी नहीं है। इस साजिश के पीछे AQIS मॉड्यूल बताया जा रहा है, जिसके तहत भारत में आतंकी हमले करने की कोशिश बार बार की जा रही है। AQIS मॉड्यूल यानी अलकायदा का भारतीय उप महाद्वीप संगठन। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने 2014 में AQIS का गठन किया था, जिसके जरिए अलकायदा इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ा सके। भारत में आतंकी हमले करने के लिए AQIS मॉड्यूल का सहारा पाकिस्तान भी ले रहा है। लखनऊ में साजिश का सरगना उमर अलमंदी पाकिस्तान के क्वेटा में बैठकर मसीरुद्दीन और मिन्हाज को कंट्रोल कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे इस हैंडलर ने कुकर बम बनाने का वीडियो भेजा था। बम को ई रिक्शा पर प्लांट करने का प्लान बताया जा रहा है। ATS सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज सबसे ज्यादा खतरनाक है और सीमा पार बैठे आतंकियों ने सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड उसी को किया है। यूपी की योगी सरकार आतंकी साजिश को लेकर बहुत सतर्क है। योगी ने टेरर कनेक्शन पर डायरेक्ट चेतावनी दी है। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बॉम्ब मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब देश आजादी के माहौल में मशगूल होता उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे,
लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस साजिश में कौन कौन और शामिल था और कहां कहां आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी पूरे नेक्सस को एक्सपोज करना बाकी है। जितना सतर्क पुलिस और सरकार रहेगी उतनी सुरक्षित जनता रहेगी। जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है मगर कश्मीर घाटी में आतंकियों की सफाई का सिलसिला नॉनस्टॉप जारी है। एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादी आज भी मारे गए और इस तरह 2 हफ्तों में सुरक्षा बलों की जो स्ट्राइक लिस्ट है ये 16 तक पहुंच चुकी है। बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान के मोर्चों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इंडियन आर्मी की गोलियों की आवाज पीओके में आतंकियों के कैंपों तक पहुंचती होगी। एलओसी से इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहली बार कैमरे पर पीओके में आतंकियों का अड्डा कैप्चर हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी, आग की तेज लपटें उठी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलवामा में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है। पुलवामा से आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। लश्कर कमांडर अबू हुरैरा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। 7 घंटे के मैसिव एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के एक बड़े चेहरे को मौत के घाट उतार दिया है और साथ में घाटी से 2 और आतंकी कम हो गए। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक तल्ला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईडी के छिपे हुए, मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया फिर फायरिंग किया, हम रिटेलिएट किए। आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईडी का, बहुत पुराने कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। जितना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ उसमें हर एक में एक एक FT मारा गया है। तो पाकिस्तान टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ अटैक में ये इससे प्रूफ होता है। 2 जुलाई 5 आतंकी, 8 जुलाई 2 आतंकी, 10 जुलाई 3 आतंकी, 12 जुलाई 3 आतंकी और 14 जुलाई को भी 3 आतंकी। 13 दिन में 16 आतंकवादियों को जहन्नुम भेजकर इंडियन आर्मड फोर्सेस ने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा है। LOC के इस पार का एक्शन आपने देख लिया, मगर उस पार क्या हो रहा है ये समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निकियाल के काफी करीब पहुंचे। इस वीडियो में देख रहे सफेद रंग की आकृति पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ का ट्रिगर पॉइंट है। इस बात की पूरी गारंटी है कि अभी भी इस मस्जिद के इर्द गिर्द या इसके पीछे आतंकी छिप कर बैठे होंगे। पाकिस्तानी आतंकी पीओके में मौजूद इसी मस्जिद को अपना लॉन्च पैड बनाते हैं, अपना हाइड आउट तैयार करते हैं और बाद में पाक फौज घुसपैठ में उनकी मदद करती है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का निकियाल एरिया है, वो एरिया जो कि अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। दरअसल यहीं से आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ करने में मदद करती है। ठीक सामने मोहरा शरीफ की वो मस्जिद है जहां पे आतंकी सबसे पहले इसी जगह से होते हुए अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इंटरपोल रिपोर्ट ये भी कहती है कि दरअसल इसी मस्जिद के इर्द गिर्द इसी की शील्ड लेकर आतंकी इसी की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। निकियाल का ये जनरल एरिया है, इस एरिया के आसपास जो गांव हैं उनको ही टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड बनाकर पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की मदद करती है। उसके अलावा जंदरूत, खुरेटा, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां पर इस समय पाकिस्तानी आर्मी के टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है। इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों की हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल रूम यानी Alpha 3 जो काली घाट और हजीरा में है, वहां से आतंकियों को क्लियर मैसेज मिला है, इंडिया में एंटर करने के लिए तैयार रहो। मगर इंडियन आर्मी घर के भीतर भी आतंकियों का सफाया कर रही है और घुसपैठ की फिराक में उस पार बैठे आतंकियों का पूरा इंतजाम पहले से हो रखा है, वो भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ।
हम इस समय बीजी सेक्टर में हैं और हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का निकियाल जंदरूद खुरेटा का एरिया पड़ता है। दरअसल भारतीय सेना पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि 25 फरवरी से लेकर अभी तक सीज फायर है, दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लगातार किया जा रहा है। हम जिस फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं यहाँ से एरियल डिस्टेंस के तौर पे करीबन 1 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है। ठीक सामने यहाँ पर अलग अलग रिफ्लेक्स के साथ फायरिंग करते हुए भारतीय सेना के जवान हैं जो 6 SOR राइफल जो कि 7.62 है हाल ही में इसे भारतीय सेना को दिया गया है, करीबन 1.5 लाख की संख्या में आ चुकी है और आने वाले दिनों में इसे और भारतीय सेना को दिया जाएगा। खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनको डिप्लॉय किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई चुनौती होती है तो उसे पार पाया जा सके। ड्रोन का खतरा यानी यूएवी आईडी का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए स्नाइपिंग और साथ में हार्ड किल और सॉफ्ट किल और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से भारतीय सेना ने इसे लैस किया है और यही वजह है कि हार्ड किल और सॉफ्ट किल के जरिए अगर कोई भी ड्रोन इस टेरिटरी में आने की कोशिश करता है, पाकिस्तान अगर यूएवी आईडी को भेजने की कोशिश करता है तो स्नाइपिंग के जरिए उसे पूरी तरह से मारक क्षमता के साथ उसे मार गिराने की कैपेबिलिटी इस समय भारतीय सेना में है। खुले इलाके में इंडियन आर्मी की तैयारी तगड़ी है, आतंकियों और पाकिस्तानी ड्रोन सबका इलाज 24/7 एक्टिव है। बात यहीं खत्म नहीं होती, भारतीय सेना की तीसरी आंख भी पीओके में मौजूद आतंकियों की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है। हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और ये सर्विलांस रूम है। दरअसल इसके ठीक सामने निकियाल का वो एरिया है जो कि टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के तौर पर जाना जाता है। भारतीय सेना के जवान इस समय 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खास तौर पे जो थ्रेट है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तान के ड्रोन आईडी का इस्तेमाल करते हुए कई एरियाज को टारगेट करने की प्लानिंग और खास तौर पे सीज फायर 25 फरवरी के बाद से लेकर अभी तक एक ट्रेंड में बदलाव देखा गया है जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी जो टेररिस्ट हैं वो अलग अलग लॉन्च पैड और टेरर कैंप्स में दिखाई दिए हैं। इसीलिए इसमें भारतीय सेना के जवान इस जगह पर 24 घंटे की मॉनिटरिंग के साथ ऑल वेदर कैमराज का इस्तेमाल करते हुए इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। खासतौर पर यह जनरल एरिया है, पाकिस्तान का निकियाल एरिया सामने दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर कोई भी हलचल हो रही है तो उसको भी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। सरहद पर चौकसी के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का रुख भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ मोड़ दिया गया है। एक एक डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग नॉन स्टॉप हो रही है। ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है और इसके जरिए 5 किलोमीटर तक के इफेक्टिव रेंज की होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर करने के लिए भारतीय सेना के जवान इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात हैं। यहां तक कि जो बाकी सर्विलांस इक्विपमेंट है उनके जरिए भी करीबन 14 से 15 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज तक मॉनिटर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान कहीं से भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश न करे। ये इसका आउटपुट है जिसमें पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसके साथ साथ उनके बंकर्स और जो मूवमेंट है वो सब इसमें मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी पूरी मैपिंग की जा रही है। इस बार एलएसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।